मैं सज्जन जिंदल जो कंज्यूमर को वॉइस के अंदर एज ए चीफ एडवाइज़र काम कर रहा हूँ और उपभोक्ताओं की समस्या का सोल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर हमारी सेवाएं उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। आज मेरे सामने जिनकी हमने समस्या को सुलझाया है सरी सान्याल जी हैं, और मैं अब उनसे पूछना चाहूँगा हमने उनकी समस्या को कैसे समाधान किया है। हाँ सान्याल जी, बताइए आपकी क्या समस्या थी और आप कंज्यूमर वॉइस में आए तो हमारी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? धन्यवाद सज्जन जी। मेरा नाम निखिलेश सान्याल है, मैं नोएडा निवासी हूँ। मैंने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिया था इन्वर्टर एसी के लिए, जिसके लिए मैंने 2 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिया था एक वेंडर से, और उसमें बड़ी दिक्कतें पैदा हुई। ऐसा था कि वो एसी काम नहीं कर रहा है, उसको कॉल दे रहे हैं फिर भी वो नहीं आएगा, बाद में तो वो कॉल भी अटेंड नहीं करता था, तो बड़ी परेशानी थी। फिर मैंने नेट सर्च किया कि कौन इसमें मदद कर सकते हैं, तो उसमें फिर मुझे कंज्यूमर वॉइस का मुझे एड्रेस मिला। मैंने यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम था वो मैंने लिख के बताया, तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि सान्याल जी आप आके हमसे मिलिए और हम आपसे बात कर सकते हैं। तो मुझे एक आशा की किरण दिखा। मुझे, मैं 6 महीने से बहुत परेशान था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, कोई मुझे सर्विस नहीं मिला था। तो मैं फिर कंज्यूमर वॉइस के ऑफिस में पहली बार आया और मैं जिंदल साहब से मिला। जिंदल साहब का बैकग्राउंड, ये कंज्यूमर कोर्ट में काम कर चुके हैं पहले, तो इनको पूरी प्रॉब्लम क्या, उनको एक काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन था। तो मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने फिर मुझे सलाह दी कि किस तरह से हम इसको सुलझा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक मेरे प्रॉब्लम के बेसिस पे उन्होंने एक नोटिस भेजा वेंडर को, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वेंडर ने जो है उस सर्विस को, जो कंज्यूमर वॉइस के जो लीगल नोटिस पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ज़रूर मेरे को एक बार फ़ोन किया था, तो फ़ोन करके उन्होंने बताया कि वो इसको सेटल करना चाहेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप इसको सेटल कीजिए, क्योंकि आप तो कोई सर्विस दे पा नहीं रहे हैं और ये 2रा साल भी है और आपने कोई काम भी नहीं किया है। तो फिर उसके बाद वो चुप बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। फिर काफ़ी मैंने भी फॉलोअप किया, फिर जिंदल साहब ने भी फॉलोअप किया, और वो बोलते रहे कि हाँ हम इसको सुलझा सेटल कर लेते हैं, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर बाद में जिंदल साहब के एडवाइस पे फिर मैंने जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। इसमें भी इन्होंने काफ़ी मदद किया, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, तो नेचुरली फंड्स कंस्ट्रेंट तो रहता ही है। तो उन्होंने मुझे एक मिनिमम एक्सपेंसेस पे उन्होंने एक के मेरे बिहाफ पे उन्होंने एक वो बना के दिया, पूरा कंप्लेंट का जो मैटर जो है वो तैयार करके दिया और किस तरह से मुझे सबमिट करना चाहिए उन्होंने समझाया। फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट जाके मैंने फिर इसको सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद फिर कोर्ट से फिर कुछ दिनों बाद जो है मेरे पास एक मैसेज आया कि वो फलाने दिन आपका केस फाइल हुआ है, आप आइए। तो इसमें फिर मेरे पास जो वेंडर का रिस्पांस आया इस बार काफ़ी पॉजिटिव था। वो बोला कि हम आपका जो है केस सेटल करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास भेजा कि हम इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं। मैंने बोला कि मैंने तो कभी आपसे बोला नहीं था कि हम इसको, आप हमें परेशान कर रहे थे इसलिए हम चाहते थे कि आप इसमें ध्यान दें, और सेटल तो मैं भी करना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला कि आप देखिए मतलब मिनिमल एक्सपेंसेस पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने फिर उनसे जो उनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो मैंने उनको पे किया था, प्लस जो मैंने कंज्यूमर वॉइस के जो फीस था और इस तरह के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो उसके बेसिस पे मैंने उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। मेरा ये कहना है कि ये जो वेंडर है ये ओनली आफ्टर ही गॉट दिस नोटिस फ्रॉम द कंज्यूमर कोर्ट उन्होंने इस पर ध्यान दिया, और इसके पहले जो है उन्होंने, मैं 50 दफ़े फ़ोन कर चुका था पर उन्होंने कोई बात पे ध्यान नहीं दिया।
मुझे कंज्यूमर वॉइस में काफ़ी एक पॉजिटिव वो मुझे मिला, रिस्पांस मिला शुरू से ही. दे वर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया, मतलब हाउ आई शुड गो अहेड विद द केस. इनके जो लीगल सेल है दे हैव गॉट एक्सपर्टीज, तो उन्होंने भी मदद किया और वी हैड अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन. तो मैं जब यहाँ पे पहली बार आया, मैंने देखा कि यहाँ पे जो है दिस कंज्यूमर वॉइस इज सेट अप बाय लुमिनरीज, आई मीन बिग पीपल, एंड दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. ये लोग कई कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं मेंबरशिप के तहत. तो मुझे लगा कि दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर कॉमन सिटीजन्स लाइक मी. I mean, who, you know, like sometimes it becomes very difficult to go and hire a lawyer and you would never know that what type of services you are going to get. But yahan pe Consumer Voice was an organization which was very supportive. I also met the CEO, Mr. Sanyal, and he was also very receptive. Jindal sahab ne mujhe ek bar milaya tha unse. So I think Consumer Voice is doing a great job and I really thank you, Jindal sahab, for all the help you have extended in sorting out the situation, and I think I have made a very good friend with you. मैं सैनल जी कहना चाहूँगा, आप कंज्यूमर वॉइस का धन्यवाद बोलिए. हम जो सेवा दे रहे हैं कंज्यूमर वॉइस के बिहाफ पर दे रहे हैं. हालांकि मैं कंज्यूमर कोर्ट से रिटायर्ड मेंबर रहा हूँ, बट आपने हमारी सेवाएँ हायर की और हमने आपकी मदद की और हमें इसके लिए बहुत खुशी हुई कि आप जैसे आदमी की समस्या हमारे माध्यम से सोल्व हुई. Jindal sahab, yes, this is Consumer Voice. This is the organization that helped me, and thank you very much. And you were the person who was interfacing with me, so I wanted to thank you personally also. You bring a lot of experience in the organization, and I think this helps other consumers as well in future. Thank you very much. Okay, thanks. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, कंज्यूमर वॉइस लीगल सेल से. तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार मिस्टर निखिलेश सान्याल को अपनी समस्या का समाधान कंज्यूमर वॉइस की सहायता से मिला. यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी अपनी शिकायत का समाधान मिले, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन या ईमेल के जरिए, जिसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी. धन्यवाद.